नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। बता दें कि सर्च इंजन कंपनी गूगल ने एक नई वेबसाइट की घोषणा कर दी है, जिससे अब खाने की समस्या का सामना कर रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। इस वेबसाइट से जुड़ी अहम जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। गैर सरकारी संस्थान कुपोषण का शिकार हो रहे लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार भी ऐसे लोगों के लिए खाना मुहैया कराने का अथक प्रयास कर रही है। लेकिन कई लोग जानकारी के अभाव में इन तमाम सुविधाओं से अनजान हैं और दाने दाने तक के लिए मोहताज हैं। कोरोना काल में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, जहां लोग संक्रमण के डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित होने के कारण खाना बना ही नहीं सकते, तो किसी के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं रहा। इन सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे संस्थानों की मदद करना चाहते हैं, जो जरूरतमंदों को खाना देने का काम करते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब गूगल ने लोगों की इस समस्या का हल निकाल दिया है। बता दे कि गूगल ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ये नई वेबसाइट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे लोगों की मदद करेगी, तो वहीं इस कंपनी ने फाइंड फूड सपोर्ट का नाम दिया है। इसमें फूड लोकेटर टूल दिया गया है। कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा कि फूड लोकेटर टूल को गूगल मैप्स पावर्ड करता है। इसकी मदद से यूजर्स अपने पास के फूड बैंक, फूड पेंट्री या स्कूल लंच प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी से वो साइट को पिकअप कर सकते हैं। तो वहीं इसके लिए गूगल कई नॉन प्रॉफिट ग्रुप के साथ काम कर रहा है। बता दें कि गूगल कई नॉन प्रॉफिट जैसे नो किड हंग्री और फूड फाइंडर के साथ भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ भी काम कर रहा है। इससे अमेरिका के 50 राज्यों में 90,000 जगहों पर फ्री फूड सपोर्ट दे सकेगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इसमें लोकेशन जोड़ने की बात भी कंपनी ने कही है। ये नई साइट गूगल के नए बने फूड फॉर गुड टीम का हिस्सा है, जो कि इससे पहले प्रोजेक्ट डेल्टा के नाम से जाना जाता था। बता दें कि प्रोजेक्ट डेल्टा के जरिए कंपनी स्मार्टर फूड सिस्टम बना रही है, जिसमें डेटा का यूज करके फूड डिस्ट्रीब्यूटर और कर फूड वेस्ट के बीच संचारण को बढ़ाया जाएगा। फूड इनसिक्योरिटी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डेफिनेशन भी दिया है। इसके अनुसार एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी फूड का लगातार कमी होना फूड इनसिक्योरिटी है, और कोरोना काल में ये संख्या काफी बढ़ गई। इससे लगभग 45 मिलियन हर 7 में से एक अमेरिकी प्रभावित हुए थे। इसमें 15 मिलियन बच्चे भी शामिल थे। नए फूड लोकेशन के अलावा गूगल यूट्यूब पर 5 नए वीडियो भी पब्लिश कर रहा है। इस साइट पर फूड सपोर्ट हॉटलाइन, स्टेट बॉय स्टेट बेनिफिट्स गाइड और किसी खास कम्युनिटी के लिए जानकारी उपलब्ध होगी। न्यूज डेस्क आर्य न्यूज। मानसून तो अभी और इंतजार करवाएगा, पर भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों का हाल बेहाल है। और तब तक के लिए गर्मी से राहत पाने के लिए आप कुछ बेहतर शेक्स और जूस का आनंद उठा सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको गर्मी से राहत देंगे बल्कि आपके मूड को तरोताजा भी रखेंगे।